ओके स्टूडेंट, इन दिस पार्ट एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट पार्ट कि मैं मशीनी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करूंगा जो कि मैथमेटिकल वे पे होंगी कैलकुलेट, तो उसके लिए काम करना हमने शुरू कर दिया। कुछ लोगों के जहन में अभी भी सवाल आ रहे होंगे कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तरीका देख लें, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल से कोई कहानी सुनाकर मैं आपको कोशिश करूँगा कि सेटिस्फाई कर सकूँ। देखिए, ये वो टेबल है जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा। इसमें सारी की सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, O11 से लेकर O22 तक। अब हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के पैरेलल एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने का तरीका पहले देख लें आप। याद रखें, जिस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, उस सेल का कॉलम टोटल उस सेल के रो टोटल से मल्टीप्लाई कर दें और उसे ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दें, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट आएगा। चाहें तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूँ। इसका रिजल्ट जो है 17 मल्टीप्लाई बाय 14 या 14 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू 5.3। अब देखें, ये जो पहली वैल्यू आई है ना, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज एक्सपेक्टेड, सुना होगा आपने। तो मेरा आपसे पहला सवाल, और से देखें, ये जो 5 है, ये 5.3 है, क्लोज है। जो फ्रीक्वेंसी हमें सोसाइटी से ऑब्जर्व हुई, वही फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन में भी आ गई। या जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो वही थी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, ऐसा ही है। ऑब्जर्व एज एक्सपेक्टेड, आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी डायलॉग है एज एक्सपेक्टेड, यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हो गया। और यही वो कहानी है कि जिससे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है उनका कॉन्सेप्ट खुलने लगता है। तो पहले तो आप बाकी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट कर लें। मुझे बताएं E12 कैसे कैलकुलेट होगा। यकीनन E12 क्लिक भी हो गया, वो 11.7 अगेन 12 से क्लोजर है। बाकी दो भी कैलकुलेट कर लें आप चाहें तो, वीडियो पॉज करके कर लें। यकीनन आप लोगों ने E21 और E22 की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली हैं और वो वैल्यूज भी ये आई हैं। अब चारों एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को चारों ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करके देखें, क्या सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जैसी हैं, करीब करीब हैं, हाँ या नहीं में जवाब दें। क्लोजर, क्वाइट क्लोजर। तो क्लोजनेस ऑब्जर्व हो गई ना, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड की। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको वो किस्सा छोटा सा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दौरे हाजिर में 2020 है ये, इमरान खान साहब से एक दफ़ा एक एंकर पर्सन ये पूछ रहा था कि ये बताएं कि 1992 के वर्ल्ड कप में जब आप फाइनल में आए, फाइनल मैच जब आप खेल रहे थे, तो मैच के किस हिस्से में आपको ये मालूम हुआ कि वर्ल्ड कप आपका है, मैच आप जीत जाएंगे। तो खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि ये मैच के दौरान नहीं, मुझे मैच शुरू होने से पहले पता चल गया था कि ये मैच हम जीत जाएंगे। तो एंकर बड़ा मुताज्जिब हुआ, उसने कहा कि कैसे, आप बताएं आपको कैसे पता चला। तो कहने, जिस वक्त ये सिक्का उछल रहा था, वो कॉइन टॉस करते हैं ना पहले, बैटिंग कौन लेगा, फील्डिंग कौन करेगा, मैच शुरू होने से पहले, कहने जिस वक्त वो कॉइन टॉस हो रहा था, तो मैंने इंग्लैंड टीम का कैप्टन उस वक्त जो ग्राम गूज था, उसकी आंखों में देखा। जब मैंने उससे आई कांटेक्ट किया तो वो आई कांटेक्ट मुझसे मेंटेन नहीं रख पाया, उसने नज़रें झुका ली, और जैसे ही उसने नज़रें झुकाई तो मुझे साइकोलॉजिकल बढ़तरी हासिल हो गई। मैं समझ गया था कि ये मैच हमारे हाथ में, यानी मैच खेलने से पहले ही पता चल गया था। ये वाक्य मैंने क्यों कोट किया यहाँ पर, यहाँ पर इसलिए कोट किया कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि अगर अगर इनकेस आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के क्लोजर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएँ, तो आप ये समझ जाएँ कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने जा रही है। और नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आप ये कह दें बिफोर हैंड कि हमें ऐसा लग रहा है कि जेंडर और आई साइट इनके दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट साबित होने जा रहे हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके सुन लें मैंने क्या कहा। याद रखें, मैच शुरू होने से पहले ही पता है कि मैच कौन सी हाइपोथेसिस जीत जाएगी। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व से करीब आ रही हैं, तो हमारी एच नॉट एक्सेप्ट होने जा रही है। क्यों एच नॉट को कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैंने आपको रिस्पॉन्सेज एंड टेस्ट के बारे में बताया था, वो तीन कॉलम्स अगर आप याद करें, तो मैंने आपको बताया था टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, वन क्वालिटेटिव एंड वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल के टेस्ट बताए थे मैंने आपको। नल हाइपोथेसिस लिखने का तरीका भी बताया था, इफ यू आर गोइंग टू मेजर सम एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो नल हाइपोथेसिस बीच में आके सबसे पहले क्या कहती है, देयर विल बी नो एसोसिएशन। तो हम कहेंगे आई साइड एंड जेंडर हैज नो एसोसिएशन इन बिटवीन,
और इसी तरह आप ये कहते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड आईसाइट, दिस कुड बी द स्टेटमेंट ऑफ एच नॉट। तो एच नॉट की स्टेटमेंट देयर इज नो एसोसिएशन, एच ये क्या कहेगी, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और मैंने बिफोर एंड क्या कहा है, मेरे अल्फाज याद रखे, मैंने कहा कि नल हाइपोथेसिस यानी जो ये कह रही है कि एसोसिएशन नहीं है वो एक्सेप्ट होने जा रही है। किस चीज से अंदाजा मैंने लगाया कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाए। ये उस वक्त इंटरेस्टिंग हो जाता है मैच कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक्सपेक्ट ना हो, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ऑब्जर्व से बदल जाए। तो एक शॉक लगता है ना, यार ये क्या हुआ, ऐसा तो सोचा नहीं था हमने। तो ये वही चीज़ है कि जिसमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन जब आ जाता है तो एच ए जब बढ़तरी हासिल करने लगती है तो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान फासला बढ़ने लगता है, गोया इन दोनों के दरमियान वेरिएशन बढ़ जाती है। अब चूंकि बात आ गई वेरिएशन की, लिहाजा जो टेस्ट इसे कंडक्ट कर सकता है वो वेरिएशन ही का कोई टेस्ट होगा, वो जी टेस्ट नहीं है, वो टी टेस्ट भी नहीं है, यकीनन वो काई स्क्वायर टेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ कि वो पांच स्टेप्स कौन से हैं जिनसे मैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने जा रहा हूँ। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं उन पर हो जाता है, लेकिन किसी भी मैकेनिज्म की हायरार्की को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक दफ़ा मैनुअली कंप्यूट कर लें खुद से। कैलकुलेटर्स अपने तैयार रखें क्योंकि सीरीज ऑफ कंप्यूटेशन है, अभी थोड़ी सी करनी है आपको। सबसे पहले सेट ऑफ हाइपोथेसिस, क्या बताया था मैंने, एच नॉट बताएं, जी हाँ एच नॉट है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। आप चाहें वेरिएबल्स की जगह लिख सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड आई साइट। और इसी तरह एच ए क्या कहेगी, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स या जेंडर आई साइट के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है। क्या मैंने आज तक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बदला, नहीं बदला, वही 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं इनके दरमियान एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन मेजर कर रही है, लिहाजा इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी उसी तरह की होगी, यकीनन वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये है। यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ टेक्स्ट मोड यूज़ किया था, जो इक्वेशन एडिटर है मैंने यूज़ नहीं किया, तो आप इस सिग्मा को ना थोड़ा बढ़ा के बना लें, यहाँ सिग्मा यहाँ शुरू करके ई तक, यानी ई आई जे सिग्मा में शामिल है दोनों, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देख लें ओ आई जे माइनस ई आई जे टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे, ये है, यानी ये हमें कैलकुलेट करना है। आपके पास चार अदद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, चार अदद कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, तो क्या आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो मैं आपकी हेल्प साथ साथ करता रहता हूँ, एक्सेल के अंदर ले जाके मैं आप हेल्प करता हूँ आपकी, ताकि हम ये साथ साथ कैलकुलेट कर लें, और चाहें तो आप भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हियर मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी साथ साथ लिख दिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब मैं वही काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, जो कि यकीनन आप में से बहुत सारे लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या था वो, पहली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कि ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है हमें 5। अब मैं जानबूझ के सेल एड्रेस यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, 5 - 5.3 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.3 इज इक्वल्स टू, ये एक डेविएशन आ गई। इसी तरह बाकी तीन डेविएशंस भी हमने निकाले जो कि यहां पर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं पहले, और मैं आपको वन बाय वन शो भी कर देता हूं। देखिए मैंने ये जो सेकंड डेविएशन निकाली है ये इसी तरह 9 - 8.7 टू द होल स्क्वायर अपॉन 8.7, इसी तरह 12 - 11.7 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11.7, इसी तरह 19 - 19.3 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 19.3, और इस तरह इन कंबाइन अगर मैं इसका सम कर दूं जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी, तो मेरे पास ये काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ये वैल्यू अपने पास संभाल के आप रख लें, 0.039 लिख लें इसकी या 0.04 लिख लें, बात एक ही है। ये जो 0.039 या 0.04 वैल्यू आई है इसे अपने पास कहीं सेव कर लें आप, और अब हम दोबारा अपनी स्लाइड पे जाएंगे, और बेसिकली जो वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट हुई है वो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली है हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बिफोर हैंड हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई है। इसके बाद की जो फोर्थ हेडिंग और फिफ्थ हेडिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने लगा हूँ।